आपने भारत देश के इतिहास में बहुत से घोटालों के नाम सुने होंगे, जैसे चारा घोटाला, 2G घोटाला, टोल स्पेक्ट्रम घोटाला। इन सारे घोटालों की गिनती करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन आज का घोटाला बड़ा ही गजब होने के साथ ही विचित्र भी है, जिसे सुनकर आप भारत के शिक्षण संस्थानों पर हंसने लगेंगे कि आखिर कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। दरअसल ये विचित्र घोटाला उत्तर प्रदेश की जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां इस यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा में फार्मा के 18 छात्रों को बड़े ही अजीब तरीके से पास कर दिया गया, लेकिन इन छात्रों को फेल होना चाहिए था, परंतु शिक्षकों की लापरवाही कहें या फिर प्रशासन की लापरवाही, इन्हें पास कर दिया गया। दरअसल यूपी के इस सरकारी विश्वविद्यालय में फार्मा के इन 18 छात्रों ने अपने पहले सेमेस्टर की परीक्षा में सवालों के जवाब में सिर्फ जय श्री राम या फिर फेमस क्रिकेटरों का नाम लिखा था, लेकिन इस धोखेबाजी को जल्द ही पकड़ लिया गया, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के दो छात्र नेताओं ने RTI लगाकर इस पूरे प्रकरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, और इस जांच में पता लगा कि इस यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसरों ने 18 छात्रों को पास कराने के लिए पैसे लिए थे। वहीं आपको बताते चलें, यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा इन दो प्रोफेसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं छात्र नेता दिव्यांशु सिंह ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री के साथ ही CM योगी व राज्यपाल और कुलपति को भी पत्र लिखा और लिखा कि यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों की मिलीभगत से ही इन छात्रों को पास किया गया, जिन्हें एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए था, इन्हें 60 से भी ज्यादा अंक दे दिए गए। वहीं इन छात्रों में से एक छात्र ने फार्मेसी को करियर के रूप में चुनने जैसे सवाल का जवाब जय श्री राम लिखकर व इसके जवाब में हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों का नाम लिखकर जवाब दिया। वहीं आपको बताते चलें, परीक्षा समिति की बैठक में जांच करने वाले डॉक्टर विनय शर्मा व मनीष गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो सके। वहीं जांच कमेटी ने भी इन शिक्षकों को हटाने की मांग की है, लेकिन चुनाव के इस माहौल में आचार संहिता लगे होने के कारण इन शिक्षकों को हटाया नहीं जा सकता। वहीं सूत्रों के अनुसार आचार संहिता हटने के बाद ही इन दो प्रोफेसरों को हटाया जाएगा व उचित कार्रवाई की जाएगी।